अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पीके में खुश आमदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 की अनबॉक्सिंग। और गैलेक्सी Z Fold 5 इस वक्त दुनिया का और खासकर पाकिस्तान का तो सबसे अल्टीमेट फोल्डिंग फोन है। इनफैक्ट सैमसंग इज द पायनियर इन फोल्डिंग फोन्स और इनका सबसे पहला गैलेक्सी फोल्ड डिवाइस 2019 में लॉन्च हुआ था। और इस फिफ्थ जनरेशन तक आते आते सैमसंग ने इस फोन के अंदर बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की हैं। तो आज की वीडियो में करते हैं इसे अनबॉक्स और बात करेंगे इसके फीचर्स पे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जरा पहले एक गहरी सांस ले लें। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 पाकिस्तान में 6 लाख रुपए में लॉन्च हुआ है और मैं जानता हूं कि ये प्राइस काफी हैवी है। अपर मिड रेंज तो आपने पहले सुना होगा, लेकिन अपर फ्लैगशिप कभी नहीं सुना होगा। लेकिन यहाँ ये भी जरूर कंसिडर करें कि इंटरनेशनली गैलेक्सी Z Fold 5 $1800 में लॉन्च हुआ है, जो कि $300 के हिसाब से भी 5,40,000 बनता है। फिर आप इसमें ड्यूटीज, टैक्सेस और पीटी अप्रूवल शामिल कर लें। और ये भी याद रखें कि ये फोन सैमसंग ऑफिशियल वारंटी के साथ आता है। और पाकिस्तान में ये Z Fold 5 12GB रैम और 512GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ लॉन्च हो रहा है, ना कि 256GB जो कि इंटरनेशनली इसका बेस वेरिएंट है। तो ये भी एक एडेड बोनस है। तो जब हम ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं तो मेरे ख्याल में गैलेक्सी Z Fold 5 महंगा होते हुए भी आपको एक अच्छी डील दे रहा है। तो अब चल के देखते हैं कि इस अपर फ्लैगशिप प्राइस पॉइंट पे हमें मिलता क्या है। तो ये है गैलेक्सी Z Fold 5 का बॉक्स। चल के बॉक्स की सील उतारते हैं और लिड को खोलते हैं। और यहां अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही क्विक और मिनिमलिस्टिक सा है। तो सबसे ऊपर डिवाइस है और यहां लिड में ये फोल्डर है जिसमें सिर्फ एक यूजर मैनुअल है, एक चार्जिंग केबल है और एक सिम इजेक्टर टूल है। अब आते हैं डिवाइस की तरफ। तो एक सेकेंड, तो हमारा आज का ये Z Fold 5 आईसी ब्लू कलर में है, जो कि इस फिफ्थ जनरेशन फोल्ड का फ्लैगशिप कलर भी है। इसकी ज्यादातर मार्केटिंग में आपको यही कलर दिखेगा, बट एज ऑलवेज ये फोन फैंटम ब्लैक में भी अवेलेबल है और बेज में भी। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, जो इस फोन का सबसे बड़ा अपडेट या फिर अपग्रेड है वो है इसकी इस हिंज मैकेनिज्म की डिजाइन। फॉर स्टार्टर्स, अब ये फोन बिल्कुल फ्लैट बंद होता है। माजी में यहाँ हिंज वाली तरफ थोड़ा सा गैप होता था, जिसकी वजह से कवर स्क्रीन भी थोड़ी सी स्लोप्ड होती थी। और अब फोल्ड होने के बाद इसकी थिकनेस भी पहले से थोड़ी कम है। फिर इस हिंज मैकेनिज्म, जिसे सैमसंग अब फ्लेक्स हिंज कह रहे हैं, इसकी डिजाइन को भी अपडेट किया गया है और ये अब पहले से ज्यादा स्मूथ है। और ऑफ कोर्स जब आप इसे फोल्ड करते हैं तो अब भी आपको वो सैटिस्फाइंग थर्ड या टैप महसूस होता है। मटेरियल्स के हवाले से भी कुछ माइनर अपडेट्स हैं, जहां फोन की फ्रेम और हिंज अब भी आर्मर एल्यूमिनियम की ही है, लेकिन ग्लास इस बार कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगाया गया है। बैक पे वही सॉफ्ट टच मैट फिनिश है, जो कि फोन्स में हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। फोन का वजन पिछली बार से 10 ग्राम कम है एट 253 ग्राम्स। और इस बार भी फोन में IPX8 वाटर रेजिस्टेंस मौजूद है। अब ऐसे फोल्डिंग फोन्स का इस फोल्डिंग मैकेनिज्म के बाद जो सबसे मेन फीचर होता है वो होता है इनका डिस्प्ले। फोल्डिंग फोन्स का आइडिया ही फोल्डिंग डिस्प्ले से आया है। तो कवर डिस्प्ले इस बार भी 6.2 इंचेस का है। एमोलेड पैनल है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और जब फोन को आप अनफोल्ड करेंगे तो अंदर है इसका ये शाहकार, सारे पैसे इसके ही हैं, 7.6 इंचेस का बड़ा स्क्वायर एमोलेड डिस्प्ले, आल्सो 120 हर्ट्ज। लेकिन इसके अंदर एक अपग्रेड भी है और वो है ब्राइटनेस में, जो कि अब 1750 निट्स तक जाती है। Z Fold 4 में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी। इस डिस्प्ले के अंदर एक अंडर डिस्प्ले हिडन सेल्फी कैमरा भी है, जो कि इस्तेमाल करते हुए विजिबल हो जाता है। और जब कैमरा ऑफ हो तो ये होल पंच कटआउट भी डिस्प्ले का हिस्सा बन जाता है। थोड़ा सा विजिबल फिर भी रहता है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में ये वाहिद फोन है जिसमें अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा हो। एंड डोंट फॉरगेट कि ये डिस्प्ले एस पेन कंपैटिबल है। इन फोल्ड डिवाइसेज में एस पेन इस केस के साथ आती है एज एन एडिशनल एक्सेसरी। और इस एस पेन को भी इस बार थोड़ा अपडेट कर दिया गया है। ये अब पहले से ज्यादा स्लिम है और केस के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन भी थोड़ी डिफरेंट है, तो ये जेब में डालते हुए स्लिप नहीं होगी। अब दोस्तों, इतना बड़ा डिस्प्ले होना स्मार्टफोन्स में अब भी एक नई टेरिटरी है। आजकल के तकरीबन सारे दूसरे फोन्स लंबे डिस्प्लेस के साथ होते हैं, तो Z Fold 5 की इस ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस फोन के सॉफ्टवेयर में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं मल्टीटास्किंग के लिए। गैलेक्सी Z Fold 5 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, जिसपे सैमसंग की अपनी One UI 5.1.1 लगी हुई है। आप इस फोन में 3 ऐप्स की विंडोज एक वक्त में खुली रख सकते हैं और काफी सारी एप्स जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब को इस Z Fold की बड़ी स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। बॉटम पे ये टास्क बार भी है, जिसमें अब अप टू 12 एप्स आ सकती हैं। चाहे आप एक्सेल पे, स्प्रेडशीट्स पे काम करते हैं, या फिर अपने फोन पे ड्राइंग करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ नोट्स लिखना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, मतलब है कि एस पेन के साथ दिस फोन
इज द क्लोजेस्ट थिंग टू अ कंप्यूटर इन योर पॉकेट। कैमरास की बात करें तो यहाँ गेम पिछली बार से तकरीबन आइडेंटिकल है, तो फोन की बैक पे ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है। यहाँ एक फर्क ये जरूर है कि एलईडी फ्लैश की पोजीशन इस बार चेंज कर दी है, लेकिन कैमरास और इनके सेंसर्स बिल्कुल वही हैं जो पिछली बार थे। तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.8 एपर्चर एंड ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, इसमें भी OIS है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ 10 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। और ऐसे फोल्डेबल फोन्स की ब्यूटी ये होती है कि आप इन तीनों कैमरास को सेल्फीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको एक ऐसा कैमरा एक्सपीरियंस मिलता है जो कि एक नॉर्मल नॉन फोल्डिंग फोन बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता। इस वक्त कोई फन्ने खान लेवल का भी फ्लैगशिप फोन हो, उसका भी सेल्फी कैमरा लिमिटेड क्वालिटी ऑफर करता है। और शायद यही वजह है कि अंदर वाले डिस्प्ले में 4 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर लगाया गया है, जो कि ज्यादातर लोग वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आई मीन यू कैन टेक पिक्चर्स विद इट, लेकिन इन कैमरास के बाद आपको वो कैमरा नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ बात करते हैं स्पेक्स की, तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेक्स हैं। अपग्रेडेड स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 5G चिपसेट है। ये चिपसेट 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस में बनाया जाता है। फिर एक अपग्रेडेड अड्रीनो 740 GPU है, 12GB रैम है और 512GB अपग्रेडेड UFS 4.0 स्टोरेज है। इस बार बैटरी साइज भी पिछली बार से सेम टू सेम है, 4400 mAh पावर की, साथ में 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है और 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है एयरबड्स वगैरह चार्ज करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल ये गैलेक्सी Z4 5 डेफिनेटली एक बॉस लेवल फोन है। मैं जब भी इसे देखता हूं तो मुझे बचपन का वो नोकिया कम्युनिकेटर याद आ जाता है, एक्सेप्ट इसमें वो सारे कटिंग एज फीचर्स हैं जो कि 2023 में आपको एक फोन में चाहिए हो सकते हैं। अब वो दिन गए जब आपको बिजनेस ट्रैवल के लिए लैपटॉप साथ रखना बहुत ही जरूरी था, और जो चीजें आप एक स्टैंडर्ड फोन की छोटी स्क्रीन की वजह से अपने फोन पे नहीं कर सकते थे या मजा नहीं आता था करने में, वो चीजें आप इस बड़ी सी फोल्डिंग स्क्रीन, एस पेन और इस फोन के सॉफ्टवेयर फीचर्स की वजह से इस फोन पे कर सकते हैं। अब देखना यह है कि आप लोगों को ये गैलेक्सी Z4 5 कैसा लगा, मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।